हादसे पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं नियमित होती, रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेल इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा न हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। तो चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल हादसे पर आरजेडी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि रेल की सुरक्षा अब जैसे राम भरोसे हो चुकी हो, यात्री भय के साए में सफर करने को मजबूर नजर आते हैं। रेल हादसा बढ़ता ही जा रहा है, लगातार आए दिन रेल हादसे की खबर ने आम लोगों को बेचैन कर दिया है। रेलवे लाइफ लाइन है देश का और इसे भगवान भरोसे छोड़ा गया है। रेल मंत्री की सेफ्टी पर ध्यान नहीं, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ झंडी दिखाना है। रेल सेफ्टी पर जरा सा भी ध्यान रेल मंत्रालय का अब नहीं रह गया। तो झारखंड में हुए ट्रेन हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हादसे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है, बजट के बाद ही ऐसे हादसे क्यों होते हैं। विपक्ष जो है दुर्घटना पर भी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहता है और विपक्ष इतना घटिया स्तर का राजनीति करने लगा है कि कोई मुद्दा नहीं है तो बस किसी न किसी बात को जो है उस पर राजनीति करने लगता है। जांच होगी कि आखिर क्या बात है कि एक डेढ़ महीना से दो तीन बजट के दिन एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी जांच होगी। और विपक्ष जितना घटिया राजनीति कर रहा है कि हिंदुस्तान की जनता उसको माफ नहीं करेगा। सत्ता पाने के लिए आदमी को इतना गिरना नहीं चाहिए जितना विपक्ष गिर रहा है। नई दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में 3 छात्रों की मौत के बाद अब पटना डीएम एक्शन में आ गए हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश अब दे दिए हैं, यानी बिहार में भी कोचिंग संस्थानों में जांच होगी। पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का गठन किया गया है। इस जांच टीम में 6 सदस्य होंगे जिसका अध्यक्ष एसडीएम को बनाया गया है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सीओ, बीईओ और क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष होंगे वो भी इस टीम के सदस्य होंगे। ये टीम कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सुरक्षा मानकों की जांच करती नजर आएगी। बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही फायर सेफ्टी की इंतजाम है या नहीं है, यहां पर एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कैसी है इसकी जांच होगी। साथ ही इमरजेंसी हालत से निपटने की व्यवस्था पर भी टीम जांच करने वाली है। और ऐसे में हादसा दिल्ली में कोचिंग में जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद एहतियात हर जगह होनी चाहिए और इसी की कवायद अब शुरू हो चुकी है बिहार में भी। क्या कुछ गाइडलाइंस है वो भी जान लेते हैं। क्या है वो गाइडलाइन, इस बड़े से वॉल पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कोचिंग सेंटर के लिए जो प्रत्येक कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जो है वो जरूर होनी चाहिए। कमरे हवादार सुविधाओं से युक्त होने चाहिए, ये बायलॉज कहता है, ये नियम कहते हैं, ये व्यवस्थाएं कहती हैं। छात्र